कहाँ है मेरी बेटी राजपरी? कहाँ गई? राजपरी नहीं, वो तो दिल की परी है, दीवानी, इश्क की दीवानी। इस फरिश्ते की रानी नहीं, वो तो प्यार की रानी है। वो नहीं जानती कहाँ है उसका रास्ता, कहाँ उसकी मंजिल। ना कुछ देखा ना कुछ जाना, जाने कहाँ उड़ गया दीवाना। उसकी किस्मत उसे वहां ले जाएगी जहां उसकी कायनात उसे बुलाएगी। किस्मत का लिखा बदल नहीं सकता, उसके दिल पर आपका जोर चल नहीं सकता। होंगी आप इस परीलोक की परिमा, इज्जत दौलत शोहरत बदल सकती है, लेकिन उसकी किस्मत नहीं, मोहब्बत नहीं, नहीं बदल सकती आप। वो तो गई, वो तो उड़ गई। सुनो, तुम मेरा रूप लेकर फरिश्ते से शादी कर लो। वो अपने प्यार के लिए सबसे बड़ा त्याग करने गई है। उसने इश्क में कुछ कहां जाना है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मैं तो एक बूढ़ी परी हूं, मुझे अब कहां किसी से प्यार होगा। पर अब मेरे पास ये जवान फरिश्ता है, जाओ रोको उसे। हम परीलोक से हैं, धरती पर हमारा कोई सरोकार नहीं, कोई प्यार नहीं। रुक जाओ। इतनी बेकाबू हो गई, ये जानते हुए कि एक बार तुम अगर यहां से कूद गई तो फिर परीलोक कभी वापस नहीं आ पाओगी। ये सब प्यार के लिए अपना जीवन तबाह मत करो बेला। रानव चला गया है, तुम बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही हो, इसे कुछ हासिल नहीं होगा।
इश्क कभी मरता नहीं है। जो इश्क में अपनी जान दे देते हैं उन पे मौत भी नहीं कर सकती काबू। मैं जीऊंगी तो इश्क के लिए, मरूंगी तो इश्क के लिए। आज मैं हूं इतनी बेकाबू, मैं सातों लोग से लड़ जाऊंगी, लेकिन मेरे प्यार में इतनी शिद्दत है कि मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। मुझे जहन्नुम तक भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगी। राज मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। रानव तुम कहाँ हो? ये तो राक्षस है। फूल खिला हुआ है, कोई तो आया है यहाँ पे। वाह, अद्भुत, असंभव। अपराजित राक्षस मर गया, खुद को खुद के हाथों ही मार गया। हमारे यहां इतनी मृत्यु नहीं होती। सुना है ये किसी के प्यार में दीवाना था। इस राक्षस के मृत शरीर को जलाने के लिए अग्निकुंड तैयार करो। ये अजीब सा क्या हो रहा है? क्या ये राक्षस मर चुका है? परंतु मुझे लगता है कि कुछ तो है जो इस राक्षस को अपनी ओर खींच रहा है। जब किसी राक्षस का कोई सपना या उसकी इच्छा अधूरी रह जाए तो जब उसके सामने आता है या आसपास आता है तो क्या तो राक्षस मरने के बाद भी बेकाबू हो जाता है।
गॉड, 3 महीने बाद रानव की वसीयत फाइनली पढ़ी जाएगी। कनिंग इसका मतलब यह है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ऑफ कोर्स, अब रानव के बाद सब कुछ मेरा ही तो होगा। मैं अपने बच्चों को आखिरी बार देख भी नहीं सकी। अब जो होना था हो गया मम्मी जी। रानव मंडप छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया और उसे ढूंढते ढूंढते बेला भी चली गई। वापस लौटते वक्त कार एक्सीडेंट, दोनों खाई में गिर गए। किसी का कुछ पता ही नहीं चला। मुझे इस दंदौलत में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दौलत रानव था, अब वो ही चला गया तो। रानव ने अपना सब कुछ जिसके नाम किया है वो है उनकी दादी पाताली रायचंद। What? टिम्बर फैक्ट्रीज, माइंस, बाकी कई सारे बिजनेस इतने सालों से मैं संभालती आई हूँ, तो उसके जाने के बाद मेरे नाम पे ही होगा ना? सॉरी मैम, रानव ने नई वसीयत बनाई थी, सब कुछ इनके नाम कर दिया। मैम आप यहाँ साइन कर दीजिए। नमस्ते। मदर इंडिया, आपके दोनों बेटे मर गए, तीसरे का कोई अता पता नहीं। एक लौती बची मैं, आपकी बेटी। गलती से भी आपको कुछ हो जाए तो नहीं नहीं नहीं, आप अभी इसी वक्त मेरे नाम पे सब कुछ कर दीजिए। नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ रानव के जाने के बाद तुम बहुत खुश हो, वो तो चला गया, लेकिन अपना सब कुछ वो मेरे नाम कर गया। अब ये सब कुछ तो मैं ही संभालूंगी। कैसी माँ है आप? राक्षसी माँ हो रे, और तू मुझसे इंसानों वाली दरिया दिल्ली की तो बिल्कुल उम्मीद भी मत करना। मैं तो यहाँ कयामत तक रहने के लिए आई हूँ, और यहाँ रहने के लिए मुझे चाहिए पैसे। हाँ, तुझे प्यार जरूर करती हूँ कि तुझे, तेरे बेवकूफ बेटों को और तेरे इस इंसानी पति को। छोड़ो, तेरा जो पति है ना, उसे यहाँ रहने की मैं इजाजत जरूर दे सकती हूँ, लेकिन मैं ये इंसानों वाली बुढ़िया माँ नहीं हूँ जो मरने से पहले अपना सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर देगी। सुन, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, और ना ही तू इतनी बेचारे। रानव, रानव, कौन हो तुम? बताइए क्या हो रहा है यहाँ? ये राक्षस मर चुका है, हम इसके मृत शरीर को अग्निकुंड में जलाएंगे। अब तो इसे दोबारा जीवन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने अपने हाथों खुद को मार डाला। इसे तो यहाँ आए 3 दिन हो गए। 3 दिन? रानव को गए हुए तो 3 महीने हो गए। जहन्नुम में 1 महीना 1 दिन के बराबर होता है, लेकिन तुम्हें जहन्नुम के बारे में नहीं पता। इसका मतलब तुम असुरिया राक्षस नहीं हो। फिर कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? नहीं,
आप इन्हें नहीं चला सकते। ये मेरे पति हैं। क्या? ये तुम्हारा पति है? हाँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, इसे मुझे लौटा दीजिए। ना, कदापि नहीं। ये हम में से एक राक्षस है और ये मर चुका है, इसलिए हम इसका दाह संस्कार करेंगे। चलो उठाओ। नहीं, मैं इसे कहीं नहीं ले जाने दूंगी, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। नहीं, मैं अपने पति को नहीं ले जाने दूंगी, नहीं ले जाने दूंगी। कौन है ये लड़की? इसकी इतनी जुर्रत कि जहन्नुम में आकर ये हम राक्षसों से लड़ रही है? सुराधा परियों का खून पीने से राक्षस महान शक्तिशाली हो जाते हैं, आज देख भी लिया। आदि शक्ति, मेरी शक्तियों को महाशक्ति दीजिए कि जैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे, वैसे ही आज मैं इन राक्षसों से अपने पति को वापस ले जाऊं, अपने सुहाग को बचाऊं। सुनिए राजपरी की पुकार, जय मां आदि शक्ति।
ये आ गया अग्निकुंड, अब होगा इसका दाह संस्कार। अब करूंगा, करूंगा मैं दाह संस्कार। परियों को जीवन बचाने का वरदान मिला है, शक्ति मिली है, किंतु इसके लिए त्याग बहुत बड़ा है। किसी का जीवन बचाने का त्याग, अपनी शक्तियों का त्याग, अजर अमर होने का त्याग, जब कोई परी अपनी शक्ति, अपने अजर अमर होने का वरदान का त्याग करती है, तब वो उस वरदान से किसी का जीवन बचा सकती है, किंतु अपनी शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए खो देती है। रानव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। अगर आज तुम्हें जिंदा करने के लिए मुझे मेरी पहचान, मेरा वजूद, मेरी शक्तियां त्याग करनी पड़े तो मैं करूंगी, क्योंकि तुम्हारे प्यार के सामने मेरा त्याग कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारा दिल धड़काने के लिए मुझे मेरी धड़कनें त्याग करनी पड़ गई तो मैं त्याग करूंगी, पर मैं तुम्हें जिंदा करके रहूंगी रानव। चारों धाम, चारों दिशा, ये जमीन या आसमान, 33 कोटि भगवान की साक्षी में मैं राजपरी देवलेखा अपनी सारी शक्तियों का त्याग करती हूं, अपनी अजरता, अपनी अमरता का त्याग करती हूं। अपने प्यार के लिए, रानव की जान के लिए, इसकी जिंदगी के लिए, रानव के प्राण के लिए, बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया होती है। जब भी कोई परी या राजपरी अपनी शक्तियों का त्याग करती है किसी का जीवन बचाने के लिए, तो इंद्रदेव उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वही है परी लोक के कर्ता धर्ता।
परियों को आपसे अजर अमर होने का वरदान मिला है। आपके अनुरोध पे देवताओं से आपके बगल में बादलों में स्थान मिला। आज मैं उस वरदान को, स्थान को त्याग करती हूँ। अपने प्यार के लिए मुझसे किसी ने कहा था कि मेरा एक राक्षस से प्यार करना, एक परी का एक राक्षस से प्यार करना, इस कुदरत इस कायनात ने रचा है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक राक्षस से प्यार ना करूं, पर कर बैठी। होता वही है जो लिखा होता है, हो गया। मेरी विनती है आपसे, मुझसे मेरी सारी शक्तियां ले लीजिए, सारी शक्तियां छीन लीजिए, मुझे मेरा सुहाग, मेरा प्यार लौटा दीजिए। हे देवराज, मेरे त्याग को स्वीकार कीजिए, मुझे मेरा प्यार, मेरा सुहाग लौटा दीजिए, मेरे सुहाग को जिंदा कीजिए। केटरर्स के 5 लाख और डेकोरेशन के 75,000 और मेरे बर्थडे केक का बस 15,000। शर्म बेच खाई क्या? प्रथम को गए 3 महीने नहीं हुए और तुझे अपनी बर्थडे पार्टी की पड़ी है। 15,000 का केक काटेगी जो तू खुद नहीं चाटेगी। भले पहले फाइनेंस रानव के नाम था, पर उससे कभी हिसाब नहीं देना पड़ा, पर अब तो मदर इंडिया देखिए ना, घर में सब लोग कितने उदास है। प्रथम का मातम, तो सबको चेयर अप करने के लिए एक छोटी सी पार्टी हो जाए, बस सिर्फ 100-200 ही लोग होंगे,
सिर्फ 100-200। हाँ? जिन दोस्तों पर तू इतना खर्च कर रही है ना, जरूरत पड़ने पर तुझे 10 रुपया भी नहीं देंगे। कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट। ठीक है, बुला ले। वैसे भी तो फ्री का खाना खाने के लिए तो इंसान पैदा होता है। हाँ। तो फिर ठीक है, मेन्यू में चाइनीज, मैक्सिकन, क्या 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 इंटरनेशनल खाना? हाँ। नहीं, देख, हमारे घर में बहुत सारे बावर्ची है, वो खाना बना लेंगे। अरे ठोस दे उनके अंदर, और क्या। वैसे भी तो ये इंसान सिर्फ दाल चावल ही तो खाते हैं। और रही तेरी बात, जब तू जंगल में जाएगी ना शिकार करने, तब ये बकरी, चिकन, ये सब कुछ ले आना। गैस को वो सब कुछ खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे उन्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तू उन्हें कच्चा नहीं चबा गई। ब्लडी डाउन मॉम। क्या 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 बोली आप? मार्केट अब मेरे इतने बड़े बड़े फ्रेंड्स हैं, बहुत बड़े बड़े घर से आ रहे हैं, अब उनको ऐसे सिंपल सा खाना थोड़ी खिला सकती हूँ। मदर इंडिया, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे बर्थडे पार्टी के लिए आप थोड़ी सी बजट बढ़ा दीजिए प्लीज। आफ्टर ऑल ये वो दिन है जब मैं पैदा हुई थी। उस दिन को जब तू पैदा हुई थी? हाय हाय, बर्थडे पैदा हुई थी। इन पैसों में पार्टी करनी हो तो कर लो, वरना। दोबारा सब लगे से होंगे प्यार से। हाय आनव, आज नफरत की हार हुई है और प्यार की जीत हुई है। हम परियों को वरदान है कि हम अपने अजर और अमर होने की शक्ति को त्याग करके किसी एक को जिंदा कर सकते हैं। तुमने मुझे जिंदा करने के लिए अपनी शक्तियों का त्याग कर दिया? हाँ। बस रानव, एक परी और एक राक्षस की बदले की कहानी खत्म, और हमारे प्यार की कहानी शुरू। रानव, आई लव यू, लव यू।
हैप्पी बर्थडे। डार्लिंग मैंने तुम्हारे लिए केक तो ऑर्डर कर लिया है, पर इसमें अब कैंडल्स कितने लगाऊं? 400-500 17-16 तो फिट नहीं होंगे ना धने। वैसे तुम्हारे लिए कैंडल्स की क्या जरूरत है, इस महफिल की शमा तो नहीं तो ओके मैं थोड़ा चेक करके आता हूँ। अजीब फैमिली है ये। अभी हमने रानव और बेला को खोया है और तुम शेखर यामिनी की केक सजा रहे हो, उसकी पार्टी मना रहे हो। देख शेखर, मैं आज तक तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच में नहीं पड़ी, लेकिन अब तू यामिनी को संस्कार सिखाएगा। आप इतने दिनों से कमरे में थी, इसलिए हमने सोचा कि ये पार्टी होगी तो आप बाहर आएंगी कुछ बेटर। मुझे रानव और बेला की बहुत याद आती है। ये कद्दू बुढ़िया इतना इमोशनल क्यों हो रही है, जैसे कि इसने अपने बेटे को खोया है। पर ये खोया तो मैंने अपने लायक बेटे को, इस लाना है बेटी के साथ। अब मैं यहाँ इस घर में फंस गई हूँ। चीयर्स मेरे प्यारे भतीजे रानव के नाम, जो हमारे बीच नहीं रहे, और उसकी प्यारी पत्नी वो भी हमें छोड़ गई, पर आज भी हम उन्हें बहुत मिस करते हैं। नौटंकी, रानव को तो सबसे ज्यादा मैं मिस कर रही हूँ। इतने ताकतवर राक्षस के साथ शादी होते होते रह गई मेरी। बट आई एम श्योर रानव और बेला जहाँ भी होंगे वो यही चाह रहे होंगे कि हम ऐसे ही पार्टी करते हुए उन्हें याद करें। आई लव यू रानव एंड बेला। जहाँ गए भी हो कभी वापस मत आना। Yes! Yes!